लाइन क्या 31-31 जाएगा या जाएगा 32-33। ओ माय गॉड, इसे कहते हैं लेजेंडरी कमबैक। क्या ही कमबैक था यार, बंदे ने मार चोट दी भाई, नेक्स्ट लेवल भाई, स्वाद ही आ गया। अरे उसको क्या मारा है भाई, क्या मारा है, मजा अल्टन बहुत गंदा। अल्टन भाई माफी की बगाड़ मार लेते। नजर तो यहाँ पर एडीएस खोल खोल के बार बार स्काउटिंग करते, बट अभी तक के लिए कुछ डैमेज यहाँ पर रजिस्टर किया नहीं गया है। पहला फर्स्ट पॉइंट किसके नाम जाएगा, इट्स गोना बी मिलिट्री, इज इट गोना बी मिलिट्री, यहाँ पर कोल्ड शॉट, यहाँ पर क्लाउड शॉट, बट नहीं, इट्स गोना बी ऑरेंज रॉक एंड डेस्ट्रो। यहाँ पर अभी तक के लिए 2-0 की बढ़त अपने नाम कर चुके हैं। स्काउट यहाँ पर हो जाएंगे फनेश शॉप और अल्ट्रा और डाउन हो जाएंगे यहाँ पर अभी तक के लिए मौजूद रहने वाले हमारे टीम मिलिट्री से। भाई यहाँ पे टीम मिलिट्री ओपी और जो अपना स्काउट का जो गेम है यहाँ पे देखने को मिलेगा अपने को। 4-0 का स्कोर ऑलरेडी चल रहा है भाई, ऑरेंज रॉक यहाँ पे 4-0 से लीड में है। तो भाई मिलिट्री ओपी क्या यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना जो स्किल सेट है वो शो ऑफ कर पाएंगे, देखने का बात रहेगी। Well, इनकी जोड़ी अच्छी चल रही है अभी तक के लिए और अच्छा इनका मैं कहूंगा जिगल चल रहा है। बट ऑरेंज रॉक की टीम कर क्या रही है, 5-0 की यहाँ पर स्कोर लाइन चल रही है जो 6-0 के अंदर जा चुकी है। पिस्टल से डाउन कर दिया, 7 पॉइंट्स की लीड नोवा। आप बताते हो कि यहाँ पर बड़ी जबरदस्त रहती है, बट ये तो 7-0 का स्कोर लाइन हो गया, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये तो कुछ अलग ही लेवल का गेम प्ले चल रहा है। डेस्ट्रो हाथ में गन लिए यहाँ पर नहीं खड़े और आदित्य भी लाइक कि ठीक है ब्रो मैं तो यहाँ पर फिनिश ऑफ करूंगा। डेस्ट्रो को मुझे ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का पिंग यहाँ पर इशू रहा और दो फिनिशर्स यहां पर अपने नाम करते हुए मिस्ट्री प्लेयर। और यस, इंटरेस्टिंग रहेगा ये मुकाबला, कमबैक की रहेगी उम्मीद। ऑरेंज रॉक के 8 फिनिशर्स यहां पर ऑलरेडी हो चुके हैं और डेस्ट्रो का जिनका पिछले सेगमेंट में हमने पिंग थोड़ा सा हाई देखा था, जिनका ज्यादा मूवमेंट हमने नहीं देखा था, वो अब यहां पर अभी तक के लिए वापस से कमबैक करने की कोशिश करते हुए। भाई डेस्ट्रो एंड यहां पे जो आदित्य है अपने, वो थोड़ा सा यहाँ पे जो लीड ऑलरेडी मेंटेन करके उन्होंने स्टार्ट में ही रख लिया भाई, 6 पॉइंट्स की लीड मेंटेन करके रखी है। आदित्य को हम जो है अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। तो टीम मिलिट्री ओपी एंड स्काउट यहाँ पे, स्काउट का कवर फायर का थोड़ा सा पीछे से सीन हो गया था, लेकिन अभी मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा सिंक में खेलना पड़ेगा इफ दे वॉन्ट टू मेंटेन द डेकोरम। और ये लीड को अगर उनको बिल्कुल जो है तोड़ना है तो भाई उनको थोड़ा सा टीम वर्क शो करना पड़ेगा यार। मैं अभी यहाँ पे यार स्काउट यहाँ पर अभी तक के लिए तो टीडीएम में अच्छा जाने जाते हैं, 2 ही फिनिशर्स निकाले हैं, बहुत ज्यादा उनके पास बढ़त नहीं है। कवर चाह रहे हैं वहां पर उनके जो टीममेट है और वो कवर प्रोवाइड कराने की कोशिश जारी, बट डॉट एचपी पर पीछे से आ जाएगा डेस्ट्रो का कवर फायर। 12 में से 8 फिनिशर्स यहाँ पर आदित्य के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। स्काउट और वहां पर उनके टीममेट मिस्ट्री के ये जो खिलाड़ी है बहुत सारा डैमेज अपने लिए अर्ली द मैच ही रजिस्टर करते जा रहे हैं और स्काउट वापस से टीवी एंगल पर जाएंगे, रुक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह पर ये खिलाड़ी रुक रहा है, सिर्फ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बैक टू बैक हेड चेस करने की कोशिशें जारी है, बट डेस्ट्रो और आदित्य को रोकना बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पर इस मैच में। भाई यहाँ पे काइंड ऑफ जो लीड है वो ऑलरेडी 9 पॉइंट्स की हो चुकी है भाई, अगर उनको कमबैक करना है तो भाई यहाँ पे अभी के अभी जो है वो फैसला लेना पड़ेगा भाई कमबैक का, और बिल्कुल शेर की जो हद्दहाड़ है उसकी तरह बिल्कुल अपना कमबैक जो है आगाज करना पड़ेगा यहाँ पे टीम मिलिट्री ओपी एंड स्काउट को इफ दे वांट टू डू द कमबैक। लेकिन टेस्टर एंड आदित्य को भी हम एडरेस्टिमेट नहीं कर सकते भाई, दोनों प्लेयर्स यहाँ पे 7 और 8 फिनिशर्स के साथ ऑलरेडी जो है बिल्कुल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 1+1 को इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है भाई, देखते हैं भाई आगे कैसे इनका परफॉर्मेंस रहता है। मुश्किल लग रहा है यहाँ से कमबैक, 1v2 यहाँ पर टेस्टो आराम से करने का चाहेंगे, बट नहीं, पीछे से स्काउट आ जाते हैं, टेस्टो को यहाँ पर कर जाएंगे डाउन। 8 फिनिशर्स आ देते के पास, 16-8 के स्कोर लाइन, ऑलमोस्ट डबल का ये स्कोर हो चुका है और यहाँ से कमबैक कोई इतना आसान टास्क रहने नहीं वाला, बट दिस इज द टाइम। अगर यहाँ से कमबैक कर ली तो शायद आगे थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, वरना इधर से चोक स्कोर लाइन अगर 20 की चली गई और यही स्कोर रहता है तो फिर तो कमबैक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाएगी। और उसी दिशा में ये मैच जाता हुआ दिख भी रहा है, 18 तक का ये स्कोर लाइन हो चुका है, 8 पॉइंट्स हैं यहाँ पर टीम मिस्ट्री के पास। ओपन से स्काउट को काफी इजीली ऑफ गार्ड पिक कर दिया आदित्य ने, एडीएस भी खोल रहे तब भी यहाँ पर हेड टू हेड की कुछ भी फाइट नहीं है, बट उधर से मिस्ट्री प्लेयर ने अच्छा डैमेज रजिस्टर करा, दोनों एक साथ पाउंस ऑन करेंगे। तो यस, दिस इज अ बेटर स्ट्रेटजी जहां पर आप 1v1 की फाइट ना लेके इसे 2v1 में कन्वर्ट करें, ताकि आप हल्का फुल्का डैमेज तो जरूर से ले ले बट सामने वाला प्लेयर पूरे तरीके से डाउन हो जाए। या 2v2 में मेन चीज यही रहती है कि आप हर एक फाइट को 1v1 की जगह 2v1 या 2v2 मैक्सिमम 2v2 या फिर 2v1 तो करना ही अपने होता है, अपने को उस चीज में कन्वर्ट करें और हर फाइट को अपने बेस्ट तरीके से भाई डील करें। देखिए यहाँ पे 8 पॉइंट की लीड के साथ थोड़ा
थोड़ी सी लीड कम हुई है नोवा यहां पर, 8 पॉइंट्स तक का डिफरेंस जो है वो रह चुका है। यहां से दो अच्छे 2v2 और वापस से मैच के अंदर आपको आती हुई देखने को मिल सकती है यहां पर टीम मिलिट्री स्काउट का ये 1v1। यस डेस्ट्रो को डाउन कर जाएगा, स्कोर लाइन थोड़ा सा और कम, डिफरेंस जो 8 का था वो अब 6 का रह चुका है। ऑरेंज ड्रॉप से यहां पर आदित्य और डेस्ट्रो, वो दैट फ्री फायर वाज सो गुड, पीछे बैकफुट पे मजबूर कर दिया कि बाहर आओगे तो रुक के आना क्योंकि आपको फ्री फायर का डैमेज लगा है, हील करके ही आप आगे आ सकते हैं। आदित्य की क्लोज रेंज में वैसे भी कोई संदेह नहीं है, ये खिलाड़ी क्लोज रेंज में एक अलग ही लेवल की गेम का शोकेस करता है। और यहां पर लॉ एनर्जी फ्री फायर से यहां पे स्काउट एक तो जरूर से डाउन करना चाहेंगे, बट दोनों की एचपी बराबर, बट स्काउट हैड द लास्ट लाफ, डिफरेंस 6 पॉइंट्स का यहां पर नोवा। और क्या लगता है कि अब हो सकती है क्या अभी भी कमबैक, या फिर आपकी नजर में ये मैच ऑरेंज ड्रॉप जीत सकती है? कमबैक अभी भी पॉसिबल है क्योंकि भाई ये दो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं भाई, स्काउट और जो मिस्ट्री प्लेयर हमारे हैं भाई, इनका तुम कभी नहीं बोल सकते कि कब बिल्कुल दे दनादन मारना चालू कर दो। और 2v1 की फाइट जो उन्होंने अभी ली, एक पॉइंट और लिया यहाँ पे, सिर्फ 5 पॉइंट की बैठक था भाई यहाँ पे ओआर के पास, अभी फुट पे धकेलते हुए ओआर की टीम को यहाँ पे स्काउट एंड मिस्ट्री प्लेयर। It's never over until it's over. आप हारते नहीं है जब तक मैच समाप्त नहीं हो जाता। बढ़िया ये प्रोन शॉट, बट काफी लो ऑन एचपी है और स्काउट ये वाला फिनिश पॉइंट अपने नाम कर जाएंगे। देखते ही देखते डिफरेंस यहाँ पर काफी कम हो जाता है, टेस्टो को भी यहाँ पर डाउन कर दिया जाता है। एक बेहतर कमबैक जो डिफरेंस अभी तक के लिए 8 पॉइंट्स का था जो हुआ वो कम होते होते अब सिर्फ 3 तक आ चुका है, काफी ज्यादा लो है। कवर का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफ्यूल कर रहे हैं अपनी एचपी को और वापस से तैयार है। आदित्य ज्यादा बाहर नहीं आ रहे, ये मैंने जरूर से देखा कि कवर में है बट वो टेस्टो को आगे जरूर से जा रहा है, बट पीछे से बहुत अच्छा डैमेज वहां पर रजिस्टर करने की कोशिश चल रही है लगातार आदित्य से। पीछे थे स्काउट जिनको डैमेज ज्यादा लग गया था तो वो भी कवर के अंदर चले गए हैं। और अब देखिए कितनी देर हो गई यहां पर, अब देख लो कोई फिनिश पॉइंट नहीं आया बिकॉज दोनों ही टीम से प्लेयर्स ने चाहा कि वो पहले हील कर ले उसके बाद फाइट में सामने आए। आदित्य कवर टू कवर, ना सिर्फ कवर टू कवर, ही इज नॉट मूविंग मच एंड ही इज अलाउइंग डेस्ट्रो टू गो आउट एंड प्ले द 1v2 बैटल। अब आदित्य के लिए मुश्किल है और ये टेक्निक जो है ना ये इनके अगेंस्ट में जा रही है नोवा, बिकॉज ये आसान है टीम मिलिट्री के लिए, टीम मिस्ट्री के लिए, बिकॉज वो 2v1 की फाइट ले रहे हैं, उसके बाद आदित्य के लिए बच जाते हैं, वो इवेंचुअली वापस से 2v1 की फाइट हो जाती है। देखते ही देखते ही डिफरेंस अब सिर्फ एक 2 पॉइंट्स का मार्जिन रह चुका है। कमबैक और वो अटैक, अच्छी कमबैक यहां पर आती हुई और टीम मिलिट्री से ये मिस्ट्री खिलाड़ी बहुत ही अच्छे हिप पास के साथ यहां पर सामने वाले खिलाड़ियों को प्रॉब्लम्स में डालते हुए 24-22 का स्कोर ये हो गया भाई। सिर्फ दो ही टीम की लीड बची है भाई टीम ऑरेंज रॉक के पास, लेकिन यार स्टार्ट में जितनी लीड इन्होंने मेंटेन की थी भाई उसको बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमबैक में तब्दील कर दिया है यहां पे टीम मिलिट्री ने भाई। यहां पे 25-23 का स्कोर चल रहा है, अभी भी सिर्फ 3 पॉइंट की लीड यहाँ पे हो गई है, 2-3 पॉइंट की लीड यहाँ पे जस्ट मेंटेन करके रखे हैं वो लोग भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो गया यार ये, मैं अभी 23 का यहाँ पर स्कोर लाइन जो है वो अभी तक के लिए हमें देखने को मिल रहा है। कमबैक की यहाँ पर उम्मीद है, मैं यहाँ पर रफ्तार जरूर से पकड़ लूंगा। जब रफ्तार यहाँ पर पकड़ लेंगे स्काउट की टीम, जब ये स्कोर लाइन जो है वो उनके फेवर में जाती हुई देखने को मिलेगी, देखना चाहूंगा यहाँ पर अमीरम का मौका हमारे पास आता है या नहीं। स्कोर लाइन सिर्फ 1 पॉइंट से दूर, इसे कहते हैं असली कमबैक एंड उस लाइन को जस्टिफाई करते हुए यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर जिनका बेस्ट डुओ माना जाता है दोनों यहाँ पर अभी तक के लिए डोमिनेट करते हुए 25-26 की स्कोर लाइन। आदित्य के पास एक बेहतर कवर बट सामने दोनों एक साथ आ रहे हैं, व्हिच इज रियली गुड, दिस इज द बेस्ट टैक्टिकल मूव टू बराबरी करी, उसे पीछे छोड़ने की भी बारी आ चुकी है। स्काउट का गेम प्ले यहाँ पर काफी बेहतर मुझे देखने को मिल रहा है, बट उससे कहीं ज्यादा बेहतर यहाँ पर मिलिट्री टीम मिस्ट्री का गेम प्ले 27 में से 20 फिनिशेस मैं कहूंगा यहाँ पर निकाल के लेके जा चुके हैं। रेलगाड़ी को चेस करते हुए जानते हुए कि वहां पर आदित्य है, लोअर एचपी 28 पॉइंट मिलिट्री के बाद यहां पर अपना बहुत जबरदस्त पकड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं 2 पॉइंट्स की बढ़त अभी तक मिलिट्री के बाद आ चुके हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल अ लेजिट कमबैक, जो टीम अभी तक 8 पॉइंट्स की लीड से पीछे थी जिसके पास कमबैक की कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही थी वो यहां पर अभी तक डोमिनेट करती जा रही है, एक रफ्तार पकड़ ली है। बट अब देखिए 50 सेकंड आखिरी के बचे हैं, एक एक करके टिक टिक करके जो ये साउंड चल रही है ये धीरे धीरे मैच के अंतिम चरणों पर हमें लेके जा रहा है और 29-29 की स्कोर लाइन कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जमीन बनती जा रही है। बहुत सोच सोच के प्लेयर्स को आगे जाना पड़ेगा, मुझे लग नहीं रही है इतना ज्यादा आसान होने वाला है। ऊपर से जाते हुए ये खिलाड़ी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आ रहे थे, साथ इनके बन में उनके बैटर रहेगी, टीवी भी गाएगा यहां पर रहने वाला है। लेवल 3 का भी यहां पर कोई उठा नहीं सकते हैं। 30-30 की स्कोर लाइन, दिस माइट बी द डिसाइड ऑफ 1v1 फाइट, बट नो, इट्स गोना बी
be a 1v2 fight. Cover kya tere wapas jayenge. Jump shot connect karenge. 8 down 5 seconds on. Aditya ko down agar kar diya jata hai to ye mystery player apni bina identity reveal kare kuch aisi chhap chhod dega is match se jo hamesha ke liye yaad zarur se reh sakti hai. Scout ko bahar na aana. Kahin na kahin is match mein Tony ko board ho sakta hai. 30 31 ki score line kya 31 31 jayega ya jayega 32 33. Oh my god, ise kehte hain legendary comeback. Jo team 10 points se piche thi वो इस मैच को 3 पॉइंट्स की लीड से जीत जाती है. क्या ही कमबैक था यार. बंदे ने मैच छोड़ दी भाई. नेक्स्ट लेवल भाई. स्वाद ही आ गया है. अरे उसको क्या मारा है भाई, क्या मारा है, मजाक है भाई. एंजॉय लेवल भाई. कितना लीड लेके उसने कमबैक दिया. कितना बहुत लीड लेके कमबैक दिया उसने. मैं तो मेरा कुछ रोल था ही नहीं ब्रो. नहीं यार ऐसी बात नहीं है. देखो यार वन प्लस देखो कवर अच्छा है. स्काउट ऐसी बात नहीं. कवर जो था वो नीडेड था. नहीं जेन्युइनली हमेशा 1v2 नहीं होता. जेन्युइनली बताओ तो भाई मेरा कुछ नहीं था रोल. अपने लौंडे ने बहुत ज्यादा मार दिया. वो उतना एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था. मैं ये बताता हूँ. अल्टरन माफी की गांड मार लेता है. अल्टरन बहुत गंदा. अल्टरन भाई माफी की गांड मार लेता है. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see